हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। ट्रांसलेशन नहीं, जरूरत नहीं सर, आपका भाषण लोगों को मना करने दो। जरूरत नहीं, आपका भाषण समझ रहे हैं। मुझे बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। अरे गजब कहर है आपका। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, लोग ही लोग हैं। बंधु गलिगे नमस्कार गलो, पूज्य गवि सिद्धेश्वर स्वामी गला चरण गलिगे, गवि मठदा संत परंपरेगे भक्ति पूर्वक प्रणाम गलो। ई भूमियल्ली जनिसिद्द एल्ला महात्मरिगे नन्न नमन गलो। भाइयों बहनों, इतनी भयंकर गर्मी में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये दृश्य दिखाता है कि हवा का रुख किस तरफ है। हिंदुस्तान में मुझे जहां जहां जाने का मौका मिला है, पूरे देश में फिर एक बार पूरे देश में जन जन की यही आवाज है, एक लहर चल रही है। भाइयों बहनों, मैं इस पूरे क्षेत्र के हर देवी देवता को नमन करता हूं। बंधु भगिनी, ये संयोग ही है कि मुझे रामनवमी के पहले किष्कंधा के करीब आने का अवसर मिला। श्री राम सेवक हनुमान का सेवा भाव, सबरी का भक्ति भाव यहां के कण कण में है। इसी सेवा भाव से आपके इस प्रधान सेवक ने ही आप सभी की, देश की सेवा करने का एक नम्र प्रयास किया है। आपके भरपूर आशीर्वाद और सहयोग का परिणाम है कि आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का डंका बज रहा है। अब मैं लोकसभा चुनाव के लिए आपका फिर से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आशीर्वाद मिलेगा ना? यहां के सभी लोकसभा क्षेत्रों से मिलेगा, पूरे कर्नाटका से मिलेगा। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है इन दिनों भांति भांति के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, मैं आगे बोलूं,
आपका प्यार ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब कर रहा है। आजकल हताशा और निराशा में डूबे हमारे विरोधी दल के सभी नेता आजकल मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि श्रीमान देवगौड़ा जी के बेटे ने कहा है कि केंद्र में दोस्तों जगह है नहीं, आप वहीं रुक जाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वहीं रुक जाइए। देखिए, ऐसा मत कीजिए। हम यहां के पुलिस को सबको सहयोग करना चाहिए। हमने देखिए, जगह छोटी पड़ गई, मैं आपका प्यार उत्साह समझ सकता हूं, लेकिन शांति बनाइए। देवगौड़ा जी के सुपुत्र ने कहा कि केंद्र में अगर फिर सरकार बन गई तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको इनकी बातों पर भरोसा है? ये लोग कभी सच बोलते हैं? आपको याद है 2014 के चुनाव में स्वयं देवगौड़ा जी ने कहा था कि अगर मोदी जी जीत के आएंगे, मोदी जी पीएम बनेंगे, तो मैं संन्यास ले लूंगा। उन्होंने लिया क्या संन्यास? पिताजी ने संन्यास लिया क्या? बेटा संन्यास लेगा क्या? अरे संन्यास की बात छोड़ो, परिवार में जितने बच्चे हैं सबको टिकट दे रहे हैं। आप लोगों के इस उत्साह को देख लेते, अगर वो अपने आईबी के रिपोर्ट से जान लेते तो शायद दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करते। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे किस तरफ जा रहे हैं वो आपकी ये ऊर्जा या आपका जोश, आपका उत्साह बता रहा है। साथियों, 2019 ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच का है। नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, इसके बीच का चुनाव है। भाइयों और बहनों, कर्नाटक में इस परिवारवाद के प्रतीक है कांग्रेस और जेडीएस दोनों। दोनों ही पार्टियां जनता से जितनी कटी हुई है उतनी ही सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से जुड़ी हुई है। इनके लिए आपकी आवश्यकताएं, देश की जरूरतें, इसकी उनको परवाह नहीं है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ। और उनका मिशन क्या है? उनका एक ही मिशन है, कमीशन। अब पहले कांग्रेस की अकेली सरकार थी तो मिस्टर 10% थे, याद है ना, मिस्टर 10% है। अब दो की जोड़ी बन गई तो 10% इनके और मिस्टर 10% दूसरे के। अब कर्नाटक का 20% चल रहा है। साथियों, जब परिवार की ही चिंता होती है
तो वहीं क्वात्रोची मामा और मिशेल मामा जैसे दलालों का उनको पाला पोसा जाता है। बॉफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले जैसे पाप वहां किए जाते हैं। साथियों, कांग्रेस की करनी देखिए, वोट खरीदने के लिए अब उसने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हक का पैसा भी लूट लिया है। उसने इस लोकसभा चुनाव में एक और घोटाला कर डाला है, तुगलक रोड चुनाव घोटाला। मुझे वाला पर लगता है कि आपको ये तुगलक रोड क्या है मालूम नहीं है। बताऊं, दिल्ली में एक तुगलक रोड है, वहां एक बहुत बड़े नेता का घर है। तो ये पिछले दिनों तुगलक रोड चुनावी घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। आपने टीवी पर देखा कि नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, यहां के अखबार वाले छापने की हिम्मत करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं, वहां से सैकड़ों करोड़ रुपए चुनाव के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। ये पैसे कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए थे, मासूम बच्चों की भूख मिटाने के लिए थे, लेकिन कांग्रेस इतनी निर्दयी है कि उसने गरीब बच्चों के मुंह से निवाला भी छीन लिया। अब तक हम सुनते आए थे डिफेंस डील में कांग्रेस का पंजा, जमीन की डील में कांग्रेस का पंजा, पनडुब्बी की डील में कांग्रेस का पंजा, हेलीकॉप्टर की डील में कांग्रेस का पंजा, लेकिन अब तो मासूम बच्चों के खाने पर भी, मासूम बच्चों की थाली लूटने का काम इन लोगों ने किया है। 5 साल से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस कितनी भूखी है ये आप भी देख रहे हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन बच्चों की थाली छीनकर कांग्रेस ने जो पाप किया है वो कभी नहीं धुल सकता है। साथियों, इनकी सोच क्या है, किस सोच के साथ ये लोग सरकार चला रहे हैं, ये इनकी बातों से लगातार झलक रहा है। मैं कल मीडिया में देख रहा था, दोस्तों आपका प्यार मुझे मंजूर है लेकिन मुझे बोलने दीजिए तो मैं बोलूं, आप शांति रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, यहां के सब नौजवान समझदार हैं। मैं कल मीडिया में देख रहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सेना में वही लोग जाते हैं जिन्हें 2 वक्त खाना नहीं मिलता। ये कैसी सोच है कुमार स्वामी जी, आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। अब वहां है, खड़े रहने दो, अभी परेशान मत करो उनको।
ನೋಡಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರದು कई जोड़ से आप ये कहकर नहीं बच सकते ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು आप ये ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವರು ಆಗಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದಿನಪ್ಪ ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬೇಡಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬೇಡಿ आप जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है मेरी आवाज सुन लीजिए मैं बाद में फिर सामने आकर के आपको प्रणाम कर दूंगा आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला आपने वही कहा है जो आपके दिल में है देश की सेना का इतना बड़ा अपमान भाइयों बहनों मैं आपको पूछना चाहता हूं क्या यहां के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जिनको दो टाइम खाना नहीं मिलता है वो सेना में जाता है क्या ये हमारे वीर सैनिकों का अपमान है कि नहीं है हमारे सुरक्षा बलों का अपमान है कि नहीं ये इनको शोभा देता है क्या क्या इससे वोट मांगोगे क्या जो देश की सेवा के लिए जाते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी गुजरते हैं कुछ भी कर गुजरते हैं अरे शून्य से भी 40-45 डिग्री कम तापमान में बर्फी हवालों में हवाओं को सहते हैं रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में जो जलते हुए सूरज को बर्दाश्त करते हैं जो महीनों महीनों तक समंदर में तिरंगा लिए दुश्मनों को भटकने नहीं देते उनके लिए ऐसे शब्द ऐसी सोच अरे डूब मरो देश की सेना का अपमान करने वाले भाइयों और बहनों देश के वीर सपूतों का तप उनकी तपस्या ये लोग कभी नहीं समझ सकते यही लोग हैं सोना का चमच लेकर के पैदा हुए हैं तीन तीन पीढ़ी से सत्ता संभाल करके बैठे हुए लोग देश के गरीब की उसका सम्मान उसकी इज्जत ये समझ नहीं सकते भाई और बहनों यही सोच है जिसकी वजह से जेडीएस कांग्रेस और इनके महामिलावटी दल हमारे देश की सुरक्षा को कोई महत्व नहीं देते यही सोच है जिसकी वजह से इनके हर रक्षा सौदे में कोई न कोई घोटाला होता रहा यही सोच है जिसकी वजह से हमारे जवानों को ये खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराते हैं यही सोच है जिसकी वजह से हमारे वीरों को सीमा पर जरूरी सुविधाएं नहीं दी जाती यही सोच है जिसकी वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट तक देने में इन लोगों ने आनाकानी की बरसों तक बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग को ये लोग अनसुना करते रहे भाई और बहनों कांग्रेस और जेडीएस भी राष्ट्रवादियों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा करने वालों के खिलाफ है ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे ये जो नारा लगाते हैं ये जो ख्वाब रखते हैं इनके साथ खड़े रहने में उनको शर्म नहीं आती है ये लोग जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वालों के जो समर्थक है उनके साथ खड़े इनके पास सुल्तान के उत्सव के लिए पैसा है लेकिन हम्पी के गौरव को याद करने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ते हैं भाइयों और बहनों सिर्फ और सिर्फ कुछ वोट जुटाने के लिए जो हमारे सपूतों के शौर्य का सबूत मांगते हैं उनसे सावधान रहना जरूरी है मोदी को नुकसान हो सिर्फ इसलिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को
जो आगे बढ़ा रहे हैं उनको सबक सिखाना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की इनकी नीयत ही जिस है जिसको कर्नाटका का किसान भी भुगत रहा है। आज क्या कारण है कि कर्नाटका का ये बद खणजा पानी की बूंद के बीज के लिए तरस रहा है। तुंगभद्रा और अलामपट्टी जैसे बड़े डैम होने के बावजूद ये क्षेत्र इतना प्यासा क्यों है? 24 घंटे के भीतर सभी किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया था, क्या हुआ उसका? साथियों, जो खुद वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया। इस चौकीदार ने जो पीएम किसान योजना बनाई उसका लाभ भी ये नहीं पहुंचाने दे रहे। देश में 3 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में पहली किस्त पहुंच भी चुकी है, लेकिन यहां की सरकार किसानों के लिस्ट भेजने के लेकर भी इधर उधर करती रहती है। इसलिए अब की बार हमने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। बीजेपी ने तय किया है कि 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार 23 मई को जब फिर मोदी सरकार आएगी, तब कर्नाटका के सभी किसानों को इनके खाते में ये मदद पहुंचा दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन भी है उसको भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ देश के सभी छोटे किसानों को, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है और हमारे येदियुरप्पा जी को बहुत खुशी होगी, देश के सभी किसान जो 60 वर्ष की आयु के बाद, उनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई है, अब किसानों को पेंशन देने की हमने वादा किया है। बंधु भगिनी, बीजेपी ने बीते 5 वर्षों में जिस तरह बिजली और स्वच्छता के लिए काम किया है, उसी तरह आने वाले 5 वर्षों में पानी के लिए काम करेंगे। अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा, देश की नदियों के पानी को जरूरत वालों क्षेत्रों में पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसका लाभ इसी पूरे क्षेत्र को मिल पाएगा। यहां पहले से ही हजारों करोड़ के 5 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट केंद्र सरकार पूरे कर रही है। तुंगभद्रा की अविरल धारा को बनाए रखने के लिए भी हमारी सरकार गंभीर है। साथियों, खेती हो या फिर खेती से जुड़े उद्योग, बीजेपी हर काम तेजी से करेगी। यहां रेलवे और हाईवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट पर पहले ही बहुत बेहतर काम हुआ है। आने वाले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि और सबको सम्मान, आप जब इजाजत देंगे तब बोलना शुरू करूंगा। भैया, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं।
भाइयों बहनों, सबको सुरक्षा, सबकी समृद्धि और सबको सम्मान के हमारे सभी संकल्पों को हम आपके सहयोग से सिद्ध करेंगे। कमल के फूल के सामने बटन दबाकर जो वोट आप देंगे वो इस चौकीदार को मजबूत करेगा। आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, मतदान के दिन भारी मतदान होना चाहिए। अभी कल जो पहले चरण का मतदान हुआ है उस मतदान में विपक्ष कहीं तक टिक नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों का वेव चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तो अफरा तफरी मची हुई है, वो हत्या पर तुले हैं, मरने मारने पर तुले हैं, लेकिन जनता फिर एक बार भाइयों बहनों, मैं एक नारा बुलवाता हूं, आप लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, ये नौजवान भी बोलेंगे, मैं कहूंगा मैं भी, आप बोलिए चौकीदार, मैं भी नन्ना ज्योते यल्ली हेड़ी नानू चौकीदार, हल्ली हल्ली यो नगरा नगरा यल्ला वो मक्कड़ मक्कड़ यल्लारो हरी युरु कुड़ा ताई अक्का तंगी यल्लारो मने मने यल्ली उलुवा भूमि यल्लो पार्क नल्लो देशा आलगड़े देशा गड़ी यल्लो डॉक्टर इंजीनियर कुड़ा शिक्षक प्रोफेसर कुड़ा राइटर जर्नलिस्ट कुड़ा कलेगारनु कुड़ा रेता कर्मी का कुड़ा व्यापारी कुड़ा वकीलरु कुड़ा विद्यार्थी कुड़ा, कमाल कर दिया आपने। मेरे साथ बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।